हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुकिंग कैप बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पेस्टिंग लेके पेपर फॉर्म, उसके बाद आपको इस पे इस तरीके से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना है। पेपर फॉर्म इस पर चिपका दिए। अब आप यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आप जो है ये 19 इंच का है, ठीक है। तो हम यहाँ से 9.5 इंच का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद आप स्केल की मदद से इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से 9.5 इंच का निशान, यहाँ से ये इस तरीके से इसकी गुलाई कर लेना है आपको। ये देखिए दोस्तों, अब आप यहां से इसको कट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको इसमें अस्तर डालना है। ये मैंने कपड़ा ले लिया अस्तर का, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से। अब आप इसको ऐसे रखकर ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अस्तर भी कट गया। अब आप यहां से इसको बीच में से इस तरीके से अस्तर के समीप ये काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए, हमारे ये 4 पीस हो गए। अब हम इसका स्टेप काटेंगे, ठीक है, केप स्टेप। ये देखिए दोस्तों, यह हमारा स्टेप कट गया। अब आप इसको यहां से इस तरीके से, ये तकरीबन 1/2 इंच का फोल्ड कर लीजिए इसको, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 3.5 इंच का बॉर्डर तोड़ लिया, ठीक है, हेड के कैप का, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको यहां से ये 1/2 इंच छोड़ के इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए मैं स्टिचिंग कर कर आपको इसकी दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिए आप, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कैप लगने वाला है ये। यहां से ये एक पैर की गोलाई पे इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको अस्तर पे मार लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों, ये अस्तर पे भी मैंने गोलाई पे सिलाई मार ली और कपड़े पे भी गोलाई पे सिलाई मार ली।
अब आपको क्या करना है, ये प्रेस की मदद से इसकी ये जो हमने जॉइंट लगाया है इस तरीके से, ये इसकी दरज चीर लेनी है अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं ये प्रेस की मदद से इसको चीर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है, ये इस तरीके से। उसके बाद आपको यह अस्तर अंदर इस तरीके से डालकर यहां से ये इस तरीके से इसको दोनों को जमा देना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अस्तर भी इसके अंदर जमा दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लेकर आपको ये यहाँ से तकरीबन 1.5 इंची छोड़कर यहाँ से 1.5 इंची छोड़कर इस तरीके से आपको ये 1/2 इंच की पलेटी डाल लीजिए, तकरीबन 1-1 इंच छोड़ के। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच की, इस तरीके से ये देखिए मैंने 1/2 इंच की डाली है, 1 इंच का इसमें गैप है, तो आप ऐसी पलेटी डाल लीजिए। इसकी लंबाई हमने स्टेप काटा था 22 इंच का। ठीक है, तो इसकी यहाँ से वन साइड 11 इंच आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं पलेटी डाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पलेटी डाल ली इसके अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमने स्टेप काटा था, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से लेकर इसको ये 1/2 इंच की सिलाई इस तरीके से यहाँ से ये लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब आपने क्या करना है, यहां से इसको इस तरीके से ये मोड़ लीजिए। ठीक है, अब ये कैप उठाकर ये अंदर से आपको देखिए इस तरीके से, ये अंदर से ये इसमें सिलाई मार लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं हमने इसका नीचे का बॉर्डर भी जमा दिया है। अब आप इसको इस तरीके से कैप को ये उल्टा कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमने बॉर्डर जमाया था, ये देखिए इस तरीके से इसको अब आप बॉर्डर पर सिलाई मार दिए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैप बन गया। अब आप यहाँ से इसको इस तरीके से प्लेट है इसकी, ये तोड़ लीजिए प्रेस की मदद से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टूटती हैं। जैसे प्लेटें आपको प्रेस की मदद से
तोड़ लेनी है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली हमारा कैप बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको पहनकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, इसको सर थोड़ा बड़ा है मेरा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नए सीख के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।